हमारे जीवन में भगवान की कथा सुनने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, निधिध्यासन से, मन से भगवान के चरणों में हमारी अंतर्वृत्ति को दृढ़ता प्राप्त होती है। हम एक बार पुनः श्रीमान संजय सिंह जी और बहुरानी को, बच्चों को इस बात के लिए साधुवाद देते हैं और व्यासपीठ से आशीर्वाद भी देते हैं। एक तो मार्च का महीना वैसे भी बड़ा कठिन महीना है, अधिकारियों के लिए तो बहुत कठिन है और हम लोग तो बाबा लोग हैं, हमारे लिए क्या कठिन है। हम लोग तो किसी की समस्या समझ में आती नहीं है, अपनी समस्या समझ में आती है, कैसे राम जी अयोध्या चलेंगे, और कुछ समझ में नहीं आता है। फिर भी भगवान की कृपा से आपको संकल्प ऐसा प्रभु ने दिया। एक मैं झांसी में कथा कर रहा था तभी यह संकल्प भैया जी को प्राप्त हुआ, तो हमने कह रहे घरवा में पूछ ला, कहे कि उन्हीं की राय है, तो हमने कहा मेरी ओर से साधुवाद है, कई लोगों का संयोग रहता है, परंतु भैया की श्रद्धा और पुराकृत कर्मों का संबल इनको यह सौभाग्य प्रदान किया और यह सत्संकल्प है। कथा स्थल जो परिवर्तित हुआ है, एक दो दिन में मंदिरम का प्रारंभ ठाकुर जी करेंगे, इसलिए स्थल हम लोगों ने बदला है। हमारे श्री त्यागी जी महाराज शायद हाँ कह रहे थे बाबू बहुत देर हो रही है, हमने कहा सरकार अब देर से हम बहुत परेशान, लेकिन करें का हुई है वो है जो राम रुचि राखा, नहीं जीव के बस का तो कुछ है नहीं। तो आप सब लोग साधुवाद दीजिए और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ऐसी कृपा बनाएं सरकार के सानिध्य में कि इस राम जन्म में श्री रामार्चा मंदिरम बनना प्रारंभ हो और अगले वर्ष के राम जन्म महोत्सव पर यह दर्शन के लिए लोकार्पित हो जाए। ये मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है, केवल प्रार्थना है, करना कराना तो युगल सरकार का। मेरा तो राम की कृपा से, सीताराम जी की कृपा से सब काम हो रहा, सीताराम जी की कृपा से सब काम हो रहा। करते हैं मेरे प्रभुवर, करते हैं मेरे प्रभुवर का नाम हो रहा, सीताराम जी की कृपा से सब काम हो रहा, सीताराम जी की कृपा से सब काम हो रहा। बंटवार के बिना ही नाव चल रही है, बंटवार के बिना ही ये नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। चल रही है पतवार
की कृपा से सब काम हो रहा, राम की कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम जीव के पास सांस लेने का भी बल नहीं है। ई जमन चढ़ल बा ई उतरी तो हम बचब एकर ठिकाना न बा। सांस रुक जाए भी चलते दिया बुझ जाएगी जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, परिणाम क्या आएगा? कुछ कर डालो, कुछ कर लो भैया। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, कौन कब जाएगा क्या है। लेकिन एक बात गरुड़ पुराण में सुन रहा था, एक बात बड़ी अद्भुत है, जितना सजाया जाएगा मार्ग में कुछ नहीं मिलाया जाएगा। जो सद्धर्म सद्कर्म गौ सेवा यज्ञ दान पुण्य हो जाएगा, मार्ग में स्थान स्थान पर वही तू पाएगा। महल अटारी ये तो न मिलेगी, जो परमार्थ होगा वही मार्ग में मिलता जाएगा। मत कर मोह तू प्यारे, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, बस हरि भजन आँख दिए हरि दर्शन करने, आँख दिए हरि दर्शन कर ले, कान दिए सुन ज्ञान रे, कान दिए सुन ज्ञान रे, बस हरि भजन को मत कर मोह तू प्यारे, मत कर मोह तू बस हरि भजन को मान। चरण दिए तीर्थ करने, चरण दिए तीर्थ करने, अरे हाथ दिए कर दान रे प्यारे, हाथ दिए कर दान रे, हरि भजन को मान प्यारे, हरि भजन को मान। दान की बड़ी महिमा है, दान प्रथम है, भोग द्वितीय स्थान पर है। दान कैसा करना? समय का दशांश, जीवन का दशांश, आय का दशांश कहां करना? यहां नहीं, जहां आप रहते हो वहीं करना। नित्य निकालो, नित्य करो, नहीं नहीं चलेंगे तो अयोध्या लेकर, अयोध्या कहां लेके चलोगे? रास्ते में रहेंगे तब कहां ले जाओगे? नित्य करो, हाँ नित्य करो, न जाने क्या हो भैया, लाद करके बांध करके गठरी लाते रहे, पता चला रस्तवे में रह गए तो कहां दान भया। इसलिए जहां रहिए, अरे 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 हाथ दिए कर दान रे, हरि भजन को मान।
सब प्रमाण जो दे दिया जाएगा वही मार्ग का पाथ है, वही टिकट है, वही सामग्री प्राप्त होती है। कहाँ उह यात्रा में हो परलोक के यात्रा में चले के तो सबके परी हो। हमारे आदरणीय गायत्री ठाकुर जी का एक बड़ा सुंदर पद है, नर नन नर न
रंग पाते चुनरियों से दो से दूर बलमुआ के का।